नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के बलिया में बाढ़ राहत सामग्री का खेल देखने को मिला। बाढ़ पीड़ितों के दिए जाने वाले सभी जरूरी बाढ़ सामग्री, जिसे गांव के प्रधान और लेखपाल गांव से बाहर दूसरे गांव में ले जाकर बेचने के फिराक में थे, जहां उनका मंसूबा नाकामयाब हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि चालक पिकअप से ले जा रहे थे बैरिया के रानीगंज बाजार में बेचने। पिकअप के ड्राइवर ने भी बताया कि बैरिया के रानीगंज में बेचने जा रहे थे बाढ़ राहत सामग्री। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार बैरिया ने खुद भी स्वीकार किया कि पिकअप में बाढ़ राहत सामग्री है। कहा गोपालपुर के प्रधान और लेखपाल इसके दोषी हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह को कार्यकर्ताओं ने दी सूचना। विधायक ने जिला के आला अधिकारियों को सूचना कर मौके पर पहुंचे। वहीं इस मामले में तहसीलदार ने बताया कि प्रथम दृष्टया से बाढ़ राहत सामग्री की जांच की जाएगी। चालक के मुताबिक गोपालपुर ग्राम प्रधान और लेखपाल दोषी है, इन पर कार्यवाही की जाएगी। वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव घर कहाँ है? गोपाल। आप गाड़ी कहाँ से लिए हैं? प्रधान जी के दरवाजे से लिए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि इस गाड़ी का मालिक भी था साथ में ना? हाँ जी, साथ। तो वो भग गया? भग गया, वो चले गए अपने लड़के को, ड्राइवर हमका लड़का भेजने के लिए चला गया। कहाँ ले जा रहे थे आप? रानीगंज, ललन पासवान बोले थे। रानीगंज क्या किसी दुकान पर बेचने की नियत थी? बेचने की नियत थी। तहसीलदार साहब, ये आप जो देख रहे हैं बाढ़ सामग्री पकड़ी गई है, आपको कैसे जानकारी हुआ और क्या आप सच्चाई है? अभी हम लोग रिंग कंधे पर थे, माननीय विधायक जी का फोन गया कि कुछ कार्यकर्ता जो है एक गाड़ी रोके हैं, संभवतः उसमें सामग्री है। उसका मैं हम SDM साहब बात करके तत्काल यहाँ पर मौके पहुँचे हैं। और प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो बाढ़ राहत सामग्री यहाँ उपलब्ध कराई गई शासन की तरफ से, उसी बाढ़ राहत सामग्री का ये पार्ट है। इसकी जांच करा के नियमानुसार कठोर से कठोर कार्रवाई संबंधी दोषियों के खिलाफ। कुछ आपको जानकारी हुई कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है? अभी प्रथम दृष्टया ग्राम ड्राइवर से बात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम प्रधान गोपालपुर के यहाँ से ये गाड़ी, गोपाल नगर के यहाँ से ये गाड़ी आई है। और ड्राइवर के हिसाब से प्रधान और इसमें जो है लेखपाल जो है पूर्णतया जो है दोषी है। मुझे हमारा कार्यकर्ता और BDC का सदस्य जो है अमरजीत सानी खबर किया 3 बजे रात्रि में कि विधायक जी ऐसी ऐसी घटना घट गई है, हम लोग गाड़ी को पकड़ लिए हैं। आदरणीय तहसीलदार साहब को, SDM साहब को, जिलाधिकारी को, एडिशनल SP को, कप्तान महोदया को भी मैं कोशिश किया, लेकिन हो सकता है कि सोई होंगी। और जिलाधिकारी को भी और साथ साथ सभी प्रशासन के लोगों को मैं सूचित किया। सूचित करने के बाद मैं तत्काल वहाँ से चल दिया। मैं आया तो देखा कि गाड़ी खड़ी है, तब से मैं यहीं पर बैठा हूँ। अब बलिया से हमारे संवाददाता नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की खास रिपोर्ट।